अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ करती हूँ आप सब लोग भी अपने अपने घरों में खुशबाश विटफाट और शादाबाद हों। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपका दिल माने तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मोटिवेशन मिलती है, और मैंने सुना है कि सब्सक्राइब मांगना जो है वो बिल्कुल भी भीख मांगना तो बिल्कुल नहीं होता है। ये क्रिएटर का हक होता है, आपका फ़र्ज़ होता है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी। और वैसे बटन दबाने से बम तो बिल्कुल भी नहीं फटता है, और अगर आप दबा देंगे तो अच्छी बात हो जाएगी हमारे लिए। ओके फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोराहे पर खड़ा ये सोचता हूँ अब किधर जाऊँ, दोराहे पर खड़ा ये सोचता हूँ अब किधर जाऊँ, ना खुश है ये जहाँ मुझसे, ना खुश है वो जहाँ मुझसे। कुछ समझ आ ही रहा होगा आपको कि क्या सिचुएशन चल रही है, उसके लिहाज से मेरा ख्याल है ये हस्ब हाल शेर तो है ही। अच्छा फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर तो मैं थोड़ा सा आगे चल के बात करूँगी। आजकल जो बहुत ज़्यादा वॉइसेस लीक हो रही हैं दो लोगों की, तो उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। सबसे पहला तो ये है कि इन वॉइसेस के बारे में मेरा सबसे पहला कॉमेंट तो यही है कि मुझे तो ये कहीं से भी इसमें मतलब फेक ही लगता है, ओरिजिनल तो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो भी कुछ हम देख रहे हैं, जिस हिसाब से लोगों की जेबों से प्रूफ निकल रहे हैं, हर कोई आता है और वो ये कहता है कि मेरे पास फलां का प्रूफ है, मेरे पास तो प्रूफ है। तो इस सिचुएशन में अगर आपको ये लगता है कि आप किसी के पास जाएंगे और आप उससे बातें करेंगे, तो वो आपके पास फ़ौरन ट्रस्ट कर लेगा और कहेगा वाह वाह वाह, और वो आपको बिल्कुल अपने घर की बातें सारी कुछ बता देगा, और उसको पता नहीं होगा कि आप उसकी कॉल रिकॉर्ड्स कर रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ही है। ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आप खुद बेवकूफ़ बन रहे होते हैं, और आप समझते हैं कि दूसरे के सर पे आपको सींग नज़र आ रहे होते हैं। तो इसलिए दोनों ही तरफ से मुझे बहुत अच्छे तरीके से यही चीज़ समझ आ रही है कि दोनों ही गेम खेल रहे थे, दोनों ही को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि जो भी हम बोल रहे हैं वो हमारी बात जो है वो हमारे अगेंस्ट भी यूज़ हो सकती है। तो खुद ही सोच लीजिए कि फिर उनमें जो भी बातें हैं उनमें क्या सच्चाई हो सकती है। फिर भी एक कॉमेंट मैं ये करना चाहूँगी, जो भी ये बात बोली गई कि वो जो ड्राइवर साहब हैं वो अंदर काउंटर पर गए और उन्होंने फ़लाँ शख्स का नाम लिया कि फ़लाँ से मिलने आए हैं, तो इस टॉपिक पर तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। यही कि सबसे पहले पॉइंट तो यही उठाया गया कि अगर कोई घर से निकला है इस काम के लिए और वो राजदारी रखना चाहता है, तो वो जिसके साथ गया और उसके ऊपर भी नहीं जाहिर करना चाहता, तो वो उसको अंदर तक लेकर ही क्यों जाएगा और फिर ले जाकर और गलत नाम लेगा। तो ये तो बात बहुत डिस्कस हो चुकी है। यहाँ पर मुझे एक सवाल ये भी आया कि अगर गलत काम करने के लिए घर से निकला है और वो प्रॉपर प्लान नहीं कर रहा है, और वो मतलब हिफाजती इकदाम नहीं कर रहा है कि जिसके साथ जा रहा है उसी के साथ अंदर तक भी चला गया और उसको खुलेआम बता रहा है कि मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ, और अगर वो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हो सकता है उसको ये बात पता ही ना हो, वो इस प्लानिंग का हिस्सा ही ना हो, वो कोई प्लान कर ही ना रहा हो। और जो ड्राइवर साहब हैं वो जो अंदर लेकर गए हैं और वो अंदर जाकर और बोल रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वही कोई प्लान करके घर से निकले हों, वही कोई गलत बयानी करके और उसको साथ लेकर आए हों? क्योंकि अब तो इस कहानी में ये कोई चौथा पांचवा ट्विस्ट आया होगा। जो शुरू से कहानी चली थी उसके बाद ये पता नहीं कितनी कहानियाँ पलट चुकी हैं, जिसमें पहले ये था कि वो छोड़ने जाते थे और बाहर से चले जाते थे, उनको नहीं पता कि अंदर कौन था, और फिर हमने ये सुना कि वो तो वहीं काउंटर से ही पलटा दिए गए, वहाँ से वो वापस आ गए। तो एक अजीब गरीब सी खिचड़ी बनाई जा रही है। वही जो कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते हैं, और एक झूठ बोलने के लिए आपको मतलब इतनी छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, तो ऐसा ही होता है। हर बार एक अजीब गरीब सी कहानी आती है। और सबसे पहला पॉइंट तो एक वैलिड पॉइंट यही है कि आप जो कहानी सुना रहे हैं आपको पता है कि रिकॉर्ड भी हो रही है, तो आप किसी का भी नाम ले दें, किसी चौथे पाँचवें आप किसी मतलब आपने जो एक किसी शाह का नाम ले लिया, तो आप किसी और का नाम ले लें, मतलब कॉन्ट्रोवर्सी तो आप जितनी बढ़ाना चाहें बढ़ी चली जाएगी। ये तो मुझे वो लग रही है कि कहा जाता है ना कि वो जंबील है, कुछ ना कुछ वो नए से नए निकले चले जा रहा है, लेकिन कुछ भी नया नहीं है। मुझे तो बस ये लगता है कि किसी की चीखें सुनकर किसी के हवास उड़ गए और उनके जो मुँह में आया वो उन्होंने स्टोरी बनाकर और आगे पेश कर दिया। जिस तरीके से हम अभी भी देख रहे हैं कि वो किस किस तरह बातें पलटती हैं, और कभी कुछ बोलती हैं कभी कुछ बोलती हैं, और जितनी फ्लुएंटली उनके मुंह से जो है वो झूठ निकल रहे होते हैं, जितने प्लानिंग्स वो दिखा रही होती हैं, तो मुझे यही लगता है कि उन्होंने वहाँ पर भी अपने दिमाग का गन निकाला था, जो कि नानी साहिबा ने पहले ही बोला था कि ये इसने बातें बताई हैं। तो वो मेरे ख्याल से जितनी दफ़ा बातें करती होंगी हर दफ़ा कुछ ना कुछ वो बोलती होंगी, हाँ सलमा बाजी क्राउन कार्ड निकला है, ओह हो हो ये हुआ है वो हुआ है और यूँ हुआ है और वो हुआ है। तो आप क्या ही बोलें, जो जिस औरत के लिए जिस लड़की के दिल में अपनी माँ की कोई रिस्पेक्ट नहीं है कि उसके माजी के हवाले से उसने क्या उसकी धज्जियाँ उड़ाई हैं, और माँ को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है अपने भाइयों के हवाले से क्या क्या कुछ बोलती हैं, तो खाला तो फिर मेरा ख्याल है किसी खेत की मूली ही नहीं है। खैर, इस टॉपिक पर हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। बात करेंगे उस की जिसको मतलब जो सिचुएशन चल रही है और उसको देखते हुए मुझे बस वो एक अजीब सा एक मुहावरा था ना कि वो धोबी
डैश और घर का ना घाट का कुछ इस टाइप का मुझे कुछ याद आया है, तो मैं किसी का भी मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। लेकिन साफ बात बताऊँ तो मैंने जैसे मेरी शुरू से मैंने अपना यही पॉइंट रखा है कि उनकी तरफ से मुझे कभी भी अच्छी वाइब्स नहीं आई। बीच में जो सब कुछ मैं सुन रही थी उसको देखकर मैं ये सोच में बढ़ जाती थी कि क्या वाकई मेरी इंट्यूशन गलत भी हो सकती है। मतलब ऐसा तो हो सकता है कि हमारी इंट्यूशन गलत हो, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है ना कि हर दफ़ा आपको जो वाइब्स आ रही हो, हर दफ़ा जो वाइब्स आ रही हो और फिर कहीं कहीं आपको ऐसा लगे कि ये गलत है, तो बंदा अपनी इंट्यूशन पे भी थोड़ा सा डाउट करने लगता है। मेरी इंट्यूशंस बिल्कुल ही सही निकली, और जो भी हम देख रहे थे ख़ासतौर से जिस तरीके से वो जितनी बार बीच में अल्टे पलटे हैं, तो उसके बाद जो ये लास्ट जो उनका था उसके बाद तो जिस तरह पलट कर आए और यहाँ पर लोगों ने उनको वेलकम किया, तो सच में मुझे बहुत हैरत भी हुई और थोड़ी सी तकलीफ़ भी हुई कि ऐसा कैसे। मतलब जो चीज़ हमें इतनी क्लियर नज़र आ रही है तो आप लोग को क्यों नहीं नज़र आ रही है? आप लोग क्यों ये इन चीज़ों में बेवकूफ़ बन रहे हैं कि ऐसे कौन से आप लोग को प्रूफ्स चाहिए, ऐसे कौन सी आपको चीज़ चाहिए जिसके लिए आप इतना सब कुछ सुनने को तैयार हैं? तो क्यों, ऐसा क्यों? मतलब आप लोग के दिल में अभी भी डाउट्स हैं जो आप लोग को मज़ीद सफाइयाँ चाहिए, मज़ीद जो है वो दाग धब्बे धुलवाने के लिए सर्फ एक्सेल और डंडा चाहिए? क्यों, आखिर क्यों चाहिए? बहुत टाइम से मैं ये चीज़ सुन रही थी और ऑब्ज़र्व भी कर रही थी कि ये बात बहुत क्लियरली बोली जा रही थी कि सितारा जो है उसके आस पास दो तीन लोग जो हैं वो उसके साथ खड़े हैं, हो सकता है उनका मफाद हो। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि उनको अपने चैनल की फ़िक्र नहीं है या लोगों की फ़िक्र नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो उसके साथ खड़े थे, उसका किसी ना किसी तौर पर साथ दे रहे थे। और सितारा अपने मुंह से भी कितनी दफ़ा इस बात का इजहार कर चुकी है कि ये लोग मेरे साथ खड़े हैं। तो हमने ये सुना था कि इन दो तीन लोगों को भी तोड़ने की कोशिश की जाएगी, और ये जो तीन चार दिन जो हैं लास्ट के, जिसमें जिस तरीके से नैना का मतलब लाइव्स में मैंने थोड़ी बहुत सुनी, उसमें यही बात बोली जा रही थी कि भाई उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, और फलां जो सपोर्टर हैं इतने बिग सपोर्टर उन्होंने स्टैंड लिया और नैना के भाइयों ने नहीं लिया, सगे भाइयों ने नहीं लिया, वो दूसरे के साथ खड़े हैं। और बाकायदा उन वो भी जब बाबर भी जब लाइव में आए तो उनको यही बात मुस्तकिल टॉन्ट किया जा रहा था कि तुमने अपनी बहन के लिए स्टैंड नहीं लिया। और यहाँ पर मैं ये सोच रही थी कि ये बेचारे सुनते ही इसी बात पर हैं कि तुम अपनी बहन के लिए खड़े हो जाते हो, तुम अपनी बहन के लिए आवाज़ उठा देते हो, जैसे यहाँ के सपोर्टर्स जो हैं वो उनके ऊपर यही बात बोलते हैं कि आप लोग अपनी बहन के लिए जो है वो फ़ौरन आ जाते हैं। तो मतलब और फिर वहाँ पर उसकी ब्रेन वॉशिंग इस टाइप में की जाती, खैर वो खातून तो किसी ब्रेन वॉशिंग का उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ही पता नहीं क्या मैं उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। तो हमने मुस्तकिल यही सुना कि इन लोगों को जो है वो तोड़ने की कोशिश की जाएगी, और यहाँ पर ये चीज़ बहुत क्लियर नज़र। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं बिल्कुल यहाँ पर मज़ीद अपनी इंट्यूशन की ही बात करूँगी, वो ये कि 100% सही ये लोग भी नहीं है। किसी ना जो मुझे जो लगता है ये कि सभी अपने अपने मफाद के तौर पर जुड़े हैं, लेकिन फिर भी बज़ाहिर अगर जुड़े भी हैं, और हर घर में ही कुछ ना कुछ बातें होती ही हैं, और जिस तरीके से हमने देखा कि सितारा की ने जब ये सेकंड वाइफ का जो भी इशू लेकर आई उसमें उनके हस्बैंड के लिए उनको इतनी दफ़ा बोला गया कि तुम इनको छोड़ दो, मतलब जब सपोर्टर्स थे उन्होंने इतना बोला, लेकिन उन्होंने अकलमंद यहाँ तक कि उन्होंने ये तक बताया कि उनकी वालदा भी चाहती हैं कि ये लोग अलग हो जाएँ सब कुछ, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। और फिर आखिर में जो है वो मैंने उनके मुँह से इसी तरह के अल्फाज सुने, यही सब कुछ देखा कि मर्द का साथ आपके लिए ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं करूँगी कि आप जो है वो अपने आप को उसी चीज़ पर डिपेंड रखें और आप जो है वो वॉयलेंट बिहेवियर सबका बर्दाश्त करें, मैं ये सब पे बात नहीं कर रही हूँ। मैं अभी जो एक चीज़ उनकी स्टोरी में जो नज़र आती है उसके हिसाब से बात कर रही हूँ। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि सितारा को ख़ुद बहुत ना पता हो कि कौन मेरे साथ कितना मुखलिस है। मतलब जितनी वो यहाँ तक आई है उसके बाद तो इतनी तो कोई बेवकूफ़ नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करी है, तो वो कुछ ना कुछ तो देख रही होगी ना कि कहाँ तक मुझे किसको अपने साथ लेके चलना है और किसके ऊपर अब कितना ट्रस्ट करना है। क्योंकि ये जो भी सिचुएशन इतने टाइम पे चली है तो उसको जितना अगर हमें नज़र आ रहा है तो क्या उसको नहीं नज़र आ रहा होगा कि कौन मेरे साथ कितने % मुखलिस है। तो मेरा ख्याल है कि अब वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर आगे चल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उसकी फैमिली को तोड़ने की बातें की जा रही हैं, उसको मतलब उसके लिए बिल्कुल उसको अकेला करने की बातें की जा रही हैं, तो ये मेरे ख्याल में उसको इमोशनली और मेंटली तोड़ने की बात है। क्योंकि ये कह देना बहुत आसान होता है कि अब तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो बस अब तुम खुद पे डिपेंड करो और क्यों दूसरे की तरफ देखती हो, ये सब कहना बहुत आसान है। वो जिस सिचुएशन से गुजर रही होंगी वो खुद बहुत अच्छे से समझ सकती होंगी। और यहाँ पर मुझे सबसे बड़ी गलती जो नज़र आती है ना वो घर वालों की ये नज़र आती है कि वो लोग बाहर वालों के पर फौरन ट्रस्ट कर लेते हैं, अपने घर की
हर कहते हैं ना हम इच्छी पिच्छी किसी को बताना शुरू कर देते हैं और फिर वही चीज़ उनके लिए ब्लैकमेलिंग का बाइस बनती है। तो यहाँ पर अब इन लोगों को भी बहुत सोचना चाहिए कि हमें किसके ऊपर ट्रस्ट करना है और किसको अपने घर की क्या बात बतानी है, और वैसे तो बतानी ही क्यों है। मतलब आप किसी के ऊपर कैसे किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, अपनी चीज़ें भेज देते हैं, अपनी जो है वो अपने घर की इतनी पर्सनल आप अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, तो फिर सामने वाला तो आकर ब्लैकमेल करेगा ही। और यहाँ पर मैं एक बात और पॉइंट आउट करूँगी, उन्होंने ये बात बोली कि वो जैसे नैना साहिबा की थी कि वो मामू और वो मिलकर और ये कहते थे कि हम कॉन्ट्रोवर्सी चलाते हैं, हम झगड़ा करते हैं। यहाँ पर मैं एक बात करूँ, अच्छी है या बुरी है, लेकिन हम जितने भी चैनल्स आजकल देख रहे हैं उसमें ये सब कुछ तो हमें बहुत नज़र आ रहा है कि लोग प्रैंक्स करते हैं, लोग जो है वो कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आवाम जो है ना वो उसको कॉन्ट्रोवर्सी ही दिखना पसंद है। तो यहाँ पर व्यूअर का क्या कोई कसूर नहीं है कि क्या अब हम देखते नहीं हैं कि कोई सीधी सादी सी ब्लॉग्स बना रहा होता है, वो सब कुछ कर रहा था, उसको प्रोमोट होने में कितना टाइम लग जाता है, और जहाँ कोई कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें आ रही होती हैं वहाँ पर जो है वो उसको व्यूज़ धड़ाधड़ मिल रहे होते हैं। तो ये तो सबको ही देखना चाहिए ना कि हम क्या देखना पसंद करते हैं, तो सामने वाला भी आपको वही दिखाने लगता है। मैं यहाँ पर किसी को भी जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, जो दिखा रहा है वो भी गलत कर रहा है, उसको चाहिए कि वो पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़े, वो कॉन्ट्रोवर्सीज़ में ना पड़े। लेकिन अगर हम इस बात को इस चीज़ में देखें कि ठीक है सभी प्रैंक्स कर रहे हैं, उन्होंने भी कर लिया, तो फिर क्या बुराई है। मैं इस बात को अच्छा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, अब वो जो खातून बड़े फ़खर से बता रही हैं कि ये लोग प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, तो क्या आप उन चीज़ों का पार्ट नहीं थी? मैंने अपनी शुरू की वीडियोस में एक बात बोली थी कि मुझे कुछ 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 चीज़ों से मुखालफत है, लेकिन फिर भी मैं जो प्लस पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो जो मैंने कुछ कुछ बोला था ना, उनमें कुछ कुछ ये भी चीज़ें थी, क्योंकि जब हम देख रहे होते तो हमें बहुत सारी दफ़ा नज़र आ रहा होता है कि यहाँ पर सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए बात को तोड़ोड़ा मरोड़ा जा रहा है। तो वो चीज़ पर मेरा एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ पर फिर अब वही चीज़ सामने भी आई कि यही सब कुछ हुआ कि प्लानिंग प्लॉटिंग तो की जाती थी, तो अगर करी तो उस वक्त सभी शामिल थे ना, सभी उस ड्रामे का पार्ट बनते थे, सभी अपने अपने कोई टॉपिक चलता था, फिर सभी अपने अपने चैनल पर उस टॉपिक से रिलेटेड बात करते थे। तो फिर अब सिर्फ ब्लेम सिर्फ एक ही के ऊपर लगाना क्यों? वो कोई आप लोग मन्ने बच्चे थे कि आप लोग अगर उन्होंने प्लान बनाया तो आप सभी उसका पार्ट बन जाते थे, तो यहाँ पर एक ही शख्स को ब्लेम करना कुछ समझ नहीं आया। जो चीज़ मुझे नज़र आई वो सिर्फ ये नज़र आई कि यहाँ पर लोगों के इमोशन से खेला तो गया है। जो लोगों ने जितनी मोहब्बत वो सितारा से करते थे, उस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने, आसपास के लोगों ने कैश किया है, उनके इमोशन से खेला है, क्योंकि उनको पता था कि वो सितारा के साथ जिस तरीके से इमोशनली अटैच हैं, जितना उसको अनकंडीशनली लव करते हैं, तो उनके इमोशन से खेला तो है। अब ये देखिए कि क्या किसने गलत किया है, सबने ही गलत किया है ना। तो फिर आप लोगों को सभी को सलाह की ज़रूरत है, एक शख्स के ऊपर ब्लेम कर देने से तो काम नहीं बनता। फिर अब ये सबसे ज़्यादा आवाज़ आती है, इसको सब्सक्राइब कर दो, इसको अनसब कर दो, इसको सब कर दो, इनको अनसब कर दो। तो मुझे बिल्कुल एक अजीब सी सिचुएशन लगती है। वो नहीं था कि एक खातून थी अपने हस्बैंड से कहती हैं कि क्या मैं बाल कटवा लूँ, वो कहते हैं कटवा लो, कहती हैं लेकिन मुझे लंबे बाल पसंद है, वो कहते हैं अच्छा नहीं कटवाओ, लेकिन मेरा शॉर्ट का भी दिल चाहता है, तो हस्बैंड कहते हैं अच्छा कटवा लो। वो इतने ही सवाल करती हैं, वो बेचारे रात को यही सुना है कि वो शौहर जो है वो अब तक यही बोलते नज़र आते हैं, तो कटवा लो, तो नहीं कटवाओ, तो कटवा लो, तो नहीं कटवाओ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि व्यूअर्स का भी उन्होंने ऐसे ही दिमाग ख़राब कर दिया, किसको सब्सक्राइब कर दो, उसको अनसब कर दो, तो भी कभी सब्सक्राइब करो दे, कभी अनसब करो दे, कभी सब्सक्राइब करो दे, कभी अनसब। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि एक फैसले पर कायम रहे। मैं अगर आपको अपनी एक बात बताऊँ, जब भी कंट्रोवर्सी आई थी 3-4 महीने पहले, मैंने टोटली इनके हर फैमिली मेम्बर को अनसब कर दिया था, और फिर उसके बाद कुछ टाइम मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व करी उसके बाद अब सिर्फ सितारा है जिसको मैंने सब्सक्राइब किया, उसके बाद मैंने कभी किसी को करा ही नहीं सब्सक्राइब। मैं देख लेती हूँ जिसको मेरा दिल चाहता है, जिसका जो चीज़ मुझे पसंद आ रही होती है मैं देख लेती हूँ, देखना चाहूँ तो, नहीं देखना चाहूँ तो नहीं देखती, लेकिन मैं इमोशनली नहीं। आप करें, आप खुद देखें किसको आपने करना है किसको नहीं करना, सिचुएशनल ना करें। वरना जितना ये फैमिली जो हमारे आवाज़ों पर सवार हो गई हैं, बहुत सारे लोगों के तो वाकई सवार हो गए हैं, तो मुझे लगता है वो लोग ख्वाब में भी यही सोचते होंगे, तो सब सब्सक्राइब कर दूं या अनसब कर दूं, सब्सक्राइब कर दूं या अनसब कर दूं। सॉरी फ्रेंड्स, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं बहुत माजरा चाहती हूँ, मेरा मकसद किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं है। वीडियो एंड करती हूँ, खुश रहें, आबाद रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें, एक ही ज़िंदगी है, उसे आसान बनाएं अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। सब्सक्राइब करना है या अनसब करना है, इमोशनली बिल्कुल ना करें, सोच समझ के फैसला करें और फिर उस पर कायम भी रहें। और मुझे भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, वीडियो एंड करती हूँ, अल्लाह हाफिज़।